नमस्कार साथियों, 12 जनवरी जैसा स्वामी विवेकानंद का अवतरण दिवस है और ये दिवस हम सब अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं। स्वामी जी के व्यक्तित्व और कृतित्व की आज संपूर्ण मानव समाज को एक नितांत आवश्यकता है। इस विषय पर एक छोटा सा उद्धरण स्वामी जी के चरणों में श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इस उद्धरण में स्वयं स्वामी जी के जीवन के विषय में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के विषय में और उनके जीवन की उन महत्वपूर्ण घटनाओं का क्रमबद्ध ब्यौरा है, जिसके विषय में जानकर हम सब अपने जीवन की दशा दिशा तय कर सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी विलंब के हम शुरुआत करते हैं स्वामी जी के जीवन के इस अभिनव चरित्र पर, जिसको डिवाइन टॉक्स के माध्यम से हम आपके बीच ला रहे हैं। तो प्रस्तुत है स्वामी जी के विषय में एक छोटी सी भेंट डिवाइन टॉक्स ज्ञानधारा के माध्यम से। मित्रों, जिंदगी में इंसान कभी कभी अपनी कर्म की पराकाष्ठा से ऐसा स्थान बना लेता है कि वहां उस तक पहुंचना, उसके बारे में कहना, सोचना, बोलना सबका परिप्रेक्ष्य बदल जाता है। और इस बदले हुए परिप्रेक्ष्य में अगर उस व्यक्ति के विषय में कोई नई राय बनती है, तो वो राय बनती है उस व्यक्ति की महानता और उसके उत्कर्ष की पराकाष्ठा के विषय में। मित्रों, आज मैं जिस शख्सियत के विषय में चर्चा कर रहा हूँ, वह एक ऐसी हस्ती है जो न केवल एक विख्यात वेदांत का ज्ञाता है, प्रभावशाली वक्ता है, एक धर्म गुरु है, जिसे एक राष्ट्रवादी विचारक के तौर पर और राष्ट्र की समग्रता की भावना को जान पाने वाले एक मनीषी के तौर पर, जिसकी अहमियत पूरी दुनिया में सिद्ध हस्त है। मित्रों, 12 जनवरी सन 1863 को कलकत्ता में जन्मे एक छोटे से बालक नरेंद्रनाथ, जिनका जन्म पिता विश्वनाथ दत्त और उनकी भार्या भुवनेश्वरी देवी, जो कि एक धार्मिक विचारों की महिला थी, उनके घर में हुआ। चिंतन, मनन और विश्वास की ऐसी परंपरा इस बालक के मन में घर कर गई कि वह अल्प काल से ही पूजा अर्चना और सात्विक विचारों का हुआ करता था। नरेंद्र बुद्धि में एक बहुत कुशाग्र और परमात्मा को पाने की लालसा की प्रबल भावना रखने वाला व्यक्ति था। इसे संयोग ही कहेंगे कि देवयोग से विश्वनाथ दत्त की मृत्यु हो गई। इस घर में केवल वे ही बड़े थे, अतः नरेंद्र पर अब सारी घर की जिम्मेदारी आ गई। अत्यंत दरिद्रता से नरेंद्र का के जीवन का दोचार हुआ। स्वयं को भूखे रखकर भी उन्होंने अपने घर को संभाला और अपने जीवन को इस स्थिति में लाए कि वे अपने आप को सुचारू रूप से चला पाए। स्वामी पद एक आसान पद नहीं होता, वह पद उसी को मिलता है जो उसके योग्य होता है। किसी भी परिप्रेक्ष्य में मनुष्य अपने कर्मों से फलित सिद्धांतों,
नियति और निष्क्रमण को प्राप्त करता है। कोई भी परीक्षा आसान नहीं होती, उसके लिए व्यक्ति को निश्चित तौर पर अपने जीवन का होम करना पड़ता है। बहुत हद तक हमारे युवा इस बात का शायद एहसास या चिंतन नहीं करते होंगे कि जो कुछ एक व्यक्ति ने समग्र विकास की प्रक्रिया में पाया है, उसको पाने की कीमत क्या है। उसको पाने की कीमत अपने जीवन में बहुत सारे पूर्वाग्रहों, दुराग्रहों और ऐसी जरूरतों को निकाल बाहर फेंकना जो सामान्य अवस्था में एक व्यक्ति नहीं कर सकता। चिंतन की पराकाष्ठा में नरेंद्र वास्तविक अर्थों में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के एक सुयोग्य शिष्य थे। यह औदा उन्हें यूं ही नहीं मिल गया था। स्वामी विवेकानंद अपना जीवन अपने गुरुदेव श्री रामकृष्ण को समर्पित कर चुके थे। गुरुदेव के शरीर त्याग के दिनों में अपने घर और कुटुंब की नाजुक हालत की चिंता किए बगैर, स्वयं के भोजन की चिंता किए बगैर वे गुरुदेव के रुग्ण शरीर के सेवा में या सेवा के कार्य में संलग्न रहे। विवेकानंद स्वप्नद्रष्टा थे। वे एक नए समाज की कल्पना करते थे। वे ऐसे समाज की कल्पना करते थे जिसमें धर्म जाति के आधार पर मनुष्य में कोई भेद नहीं होगा। वे वेदांत के उस सिद्धांत को मानते थे जिसमें अध्यात्मवाद बनाम भौतिकवाद के विवाद में पड़े बिना यह कहा जा सकता था कि हम अध्यात्मवाद से समतावाद के सिद्धांत को बौद्धिक आधार पर पालन करके समाज में समग्र विकास और समता ला सकते हैं। आशातीत रहते हुए समाज को ओझ भरने के लिए स्वामी विवेकानंद के जिस स्वरूप को की हम चर्चा नहीं करते, वे एक ओजस्वी वक्ता थे और अगर आज के शब्दों में कहूँ तो उनसे बड़ा कोई मोटिवेशनल स्पीकर शायद ही जीवन वृत्त में पैदा हुआ हो। वे युवकों के लिए एक ओजस्वी सन्यासी का स्वरूप थे, ऐसा सन्यासी जो जीवन वृत्त में लेखक और समकालीन समाज में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भों के साथ उपस्थित होता आया हो। वे इस संदर्भ में समाज का दिग्दर्शन दिग्भ्रमित हुए युवाओं के हित में करते थे। उनका जीवन बहुत सहज, सरल और कुछ ऐसे सिद्धांतों पर आधारित था जिन्हें हर कोई नहीं अपना सकता। बेहद कच्ची उम्र में नरेंद्र नटखट शरारत करते हुए अपने अध्यापकों और अपने पालक, जिनमें मूलतः उनके पिताश्री और माताजी के द्वारा पुराण, रामायण, महाभारत आदि को सुनने के शौकीन थे, कथावाचक बराबर उनके घर में आया जाया करते थे। इस धार्मिक वातावरण का असर उनके समग्र मानसिक विकास पर हुआ और माता पिता के संस्कारों और धार्मिक वातावरण के कारण उनके मन में ईश्वर के प्रति और उसे जानने के लिए बड़ी लालसा दिखाई देने लगी। वे ईश्वर में विश्वास करते और इस बात का भी भान रखते कि ईश्वर को जानने के लिए उन्हें ईश्वर को समझने की आवश्यकता पड़ेगी और इस हेतु उन्हें हमेशा सत्य का अन्वेषण रहता। जब वे गुरु से पहली बार मिले तो उनके शब्द यही थे कि मैं कौन हूँ और क्या मैं ईश्वर का साक्षात्कार कर सकता हूँ। बालक नरेंद्र पर अपनी दृष्टिपात होते ही स्वामी जी के ऊपर परमहंस का एक विशेष दृष्टब्द पड़ा और उनके द्वारा ये समझ लिया गया कि ये वही बालक है जिसकी तलाश में मैं अपने जीवन को या अपने जीवन के एक उत्तराधिकारी को ढूंढ रहा था। गुरु के द्वारा उनकी सेवा को स्वीकार किए जाने और उनके द्वारा अनेक बार
स्वामी विवेकानंद की परीक्षाओं के बाद स्वामी विवेकानंद को गुरुदेव ने स्वीकार किया और इस स्वीकारोक्ति के माध्यम से उनके जीवन में गुरु का आविर्भाव हुआ। एक बार किसी ने गुरुदेव की सेवा में घृणा और निष्क्रियता दिखाई तथा घृणा से नाक भौं सिकोड़ी, यह देखकर स्वामी विवेकानंद को क्रोध आ गया। वह उस गुरु भाई को पाठ पढ़ाते और गुरुदेव की प्रत्येक वस्तु के प्रति प्रेम दर्शाते हुए उनके बिस्तर के पास रक्त कफ आदि से भरी थूकदानी उठाकर फेंक देते। गुरु के प्रति ऐसी अनन्य भक्ति और निष्ठा के प्रताप से ही अपने गुरु के शरीर और उनके दिव्यतम आदर्शों की उत्तम सेवा कर सके। मित्रों, यह बहुत आसान लगता है कि हम जिस किसी को गुरु के तौर पर स्वीकार करते हैं, महज सेवा, महज आस्था ही कुछ ऐसे गुण हैं कि उसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार किए जाते हैं और कोई व्यक्ति हमें आस्था के आधार पर स्वीकार करता है। कौन भूल सकता है वह शब्द 1893 को शिकागो की सभा में, धर्म सभा में, वह शब्द जिसमें उनके उद्बोधन की शुरुआत के पूर्व उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, और इस शब्द के उच्चारण मात्र के बाद यह यकीन से कहा जा सकता था कि उनके इस समता के शब्दों को मंच से समझने का प्रयास उनके श्रोता वर्ग ने किया। इस मंच से बोलने पर कतिपय वक्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करने की परंपरा के बाद उनके प्रति जो पश्चिम के देशों के विद्वान थे उनका असहिष्णु रवैया सहिष्णुता में बदल गया। आज के समाज में जो हम विवेकानंद से सीख सकते हैं वो कुछ ऐसे गुण हैं जो बहुत सार्थक हैं, जिनमें संसार को सहिष्णुता और सार्वभौम सिद्धांतों की स्वीकृति देना, शिक्षा के साथ साथ धार्मिकता को भी सिखाना, समस्त धर्मों को सच्चा मानकर उसे स्वीकार करना और देश को अपने सम्मान देते हुए, देश को, देश के प्रति अपना सम्मान देते हुए अपने अभिमान की भावना को दूर करना। निश्चित तौर पर हम जिस बात के लिए अपने आप को गर्व या गौरव का अनुभूति कराते हैं वह हमारा कर्म स्वरूप नैपथ्य। समय के संदर्भों में ऐसा ज्ञापित होता है कि इस महान व्यक्तित्व को जैसे ईश्वरीय शक्ति ने समय की कुछ बाध्यताओं के साथ इस धरा पर भेजा। महज 25 वर्ष की आयु में स्वामी जी को शिकागो धर्म संसद में जाने का समय मिला। इस मंच पर आते हुए पूरी समता के साथ भारतीयता और सनातन धर्म की परंपराओं को मानते हुए ईश्वर के प्रति समग्र समाज का व्यापक दृष्टिकोण पैदा करने में उनकी एक महती भूमिका रही। यद्यपि समाज और राष्ट्र का निर्माण एक लंबी परंपरा है, लेकिन इस परंपरा के पीछे के जो गुणधर्म हैं वे गुणधर्म शायद स्वामी जी को नितांत में या विरासत में उनके माँ पिता से उन्हें मिले। वे एक सर्वश्रेष्ठ वक्ता होने के नाते गीता के प्रतिपालक थे। गीता उनके स्वाध्याय का एक मूल ग्रंथ था। उन्हीं के द्वारा सभा में आयोजित गीता के अद्भुत उपदेश का प्रतिपादन
उनके द्वारा गीता के इस श्लोक ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्य हम मम वर्तमानु वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशा, यानी ईश्वर के द्वारा ईश्वर को जिस रूप में भजने की बात की जाती है उसे ईश्वर उसी स्वरूप में वर्तमान समय के साथ उपलब्ध होता है। अगर हम विवेकानंद के जीवन में उनकी यात्राओं की बात करें तो उनके विषय में ये ज्ञात होता है कि उनके जीवन में महान यात्राओं का क्रम एक बहुत अल्पायु में प्रारंभ हो गया था। महज 25 वर्ष की अवस्था में नरेंद्र ने गेरुआ वस्त्र धारण कर लिए थे। यह उनके जीवन की एक समग्र आध्यात्मिक यात्रा थी। इसके पश्चात पैदल ही पूरे भारतवर्ष की यात्रा करने का एक संकल्प उनके द्वारा लिया गया। सन 1893 में शिकागो अमेरिका में विश्व धर्म संसद या धर्म परिषद का आयोजन जो किया जा रहा था उसमें स्वामी विवेकानंद भारत के प्रतिनिधि के तौर पर बुलाए जाते हैं। संपूर्ण यूरोप और अमेरिका के लोग उस समय पराधीन भारतवासियों को बहुत हीनतम दृष्टिकोण से देखते थे और वहाँ लोगों ने बहुत प्रयत्न किया कि स्वामी विवेकानंद को विश्व धर्म संसद या सर्वधर्म परिषद में बोलने का समय ही ना दिया जाए। एक अमेरिकन प्रोफेसर के प्रयास से उन्हें थोड़ा समय मिला किंतु उनके विचार सुनकर सभी विद्वान चकित हो गए। फिर तो अमेरिका में उनका अत्यधिक स्वागत किया गया। यहाँ उनके भक्तों का एक बड़ा समुदाय हो गया। वे ऐसे धर्मावलंबी थे जो सांप्रदायिकता हट धर्मता और विभत्स वंशधर धर्मांधता के खिलाफ थे। निश्चित तौर पर उनके द्वारा पृथ्वी को दुनिया का सबसे सुंदर स्थान माना गया जहाँ पर ईश्वर उन्हें मानव के तौर पर हमेशा पैदा करते धरती पर मनुष्यता की रखवाली के लिए भेजता रहे। ईश्वरत्व की प्राप्ति और अध्यात्म की इस दिव्य यात्रा में उनके द्वारा वक्तृत्व शैली के द्वारा अनेकानेक व्याख्यानों का आयोजन किया गया। उनके अपने अप्रतिम ज्ञान कौशल का ध्यान रखते हुए मीडिया ने उन्हें साइक्लोनिक हिंदू का नाम दिया। साइक्लोनिक हिंदू का मतलब चक्रवाती हिंदू, अर्थात ऐसा हिंदू जो एक हिंदुत्व की भावना से परिपूर्ण है और आध्यात्मिक बल के साथ वह दुनिया को दुनिया की बड़ी समस्याओं का हल दे सकता है। उनकी अनंत आध्यात्मिक यात्राओं में स्वामी जी का दृढ़ विश्वास था। अमेरिका में उन्हें रामकृष्ण मिशन की अनेक शाखाएं स्थापित करने में इस प्रहसन ने काफ़ी मदद भी की। अनेक अमेरिकी विद्वानों की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा स्वामी जी को अपने गुरु पद पर रखा गया और उनसे विनती स्वरूप अपने आप को शिष्य के तौर पर स्वीकार करने की बात की गई। यदि हम रोमा रोला के शब्दों में स्वामी जी को समझें तो उनके द्वारा कहा गया था कि उनके अद्वितीय होने की कल्पना करना भी असंभव है। वे जहाँ भी गए सर्वप्रथम हुए, हर कोई उनमें अपने नेता का दिग्दर्शन करता। वे ईश्वर के प्रतिनिधि थे और सब पर प्रभुत्व प्राप्त कर लेना ही उनकी विशिष्टता थी। हिमालय प्रदेश में एक बार अनजान यात्री देखकर ठिठक कर रुक गया और आश्चर्यपूर्वक चिल्लाकर उठा, शिव, यह ऐसा हुआ मानो उस व्यक्ति के आराध्य देव ने अपना नाम उनके माथे पर लिख दिया हो। यह यथार्थ है कि दुनिया के समग्र विद्वान स्वामी जी को अनेकानेक गुणों के साथ पारिभाषित करते हैं। अगर विचारकों की बात करें तो वे न केवल एक महान विचारक, वक्ता, लेखक और मानव प्रेमी थे परंतु उनके द्वारा किए गए कार्यों से वे समाज को समता का सिद्धांत और समाजवाद की वह
परिलब्धि देना चाहते थे जिसमें बिना रुके और बिना थके मानवता की सेवा करने का संसर्ग था। उनके शब्दों में संन्यास वह है जो त्याग की भूमि को स्वीकार करता है और आदिकाल तक मनुष्यता की सेवा के लिए सर्वोच्च आदर्शों के द्वारा मुक्ति का द्वार खोल देता है। उनके कथन उठो जागो स्वयं जागकर औरों को जगाओ अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक रुको नहीं जब तक कि लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। विवेकानंद के साम्यक शिक्षा दर्शन की अगर हम बात करें तो वह आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। स्वामी विवेकानंद मैकाले द्वारा प्रतिपादित उस समय की प्रचलित अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के भी विरोधी थे। आज के परिप्रेक्ष्य में उस शिक्षा को उनके द्वारा केवल बाबुओं की संख्या बढ़ाने की बात कहकर संबोधित किया गया था और अगर हम देखें तो आज भी हम उसी संसर्ग को समझ पा रहे हैं। अतः वे ऐसी शिक्षा पद्धति के पक्षधर थे जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो सके। बच्चों को शिक्षा का उद्देश्य उनको आत्मनिर्भर बनाकर उनके पैरों पर खड़ा करना होता है, लेकिन इसमें स्वामी जी का हित यहाँ भी था या शब्दमय शिक्षा के साथ यहाँ तक की था कि वे प्रचलित शिक्षा को निषेधात्मक शिक्षा की संज्ञा देते थे। यानी हम शिक्षा के माध्यम से कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेना मात्र ही ना रखें, उसे ऐसा व्यक्ति भी बनाएं जो अच्छा वाद विवाद कर सकता हो, जो वास्तविक अर्थ में शिक्षा को जनसाधारण के लिए संघर्ष का एक विकल्प सूत्र बना सकता हो, जो चरित्र निर्माण कर सकता हो, जो समाज की सेवा निष्कपट भाव से कर सकता हो। और शिक्षा उस सूत्र के स्वरूप होनी चाहिए जिसके द्वारा उस व्यक्ति के अंदर भाव विकसित हो जाए और ऐसा साहस पैदा हो जिससे शिक्षा के समग्र स्वरूप को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इसके उलट वे इस विचार के खिलाफ थे कि शिक्षा किसी काम की नहीं या वह शिक्षा किसी काम की नहीं जो चरित्र निर्माण न कर सके, जो देशभक्ति की भावना न पैदा कर सके और जो अपने से कमजोर लोगों का अहित करे, उनका शोषण करे। शिक्षा के विषय में स्वामी जी के द्वारा लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए तैयार करने की अवधारणा एक अन्यत्र दिखने वाला सूत्र समझ आता है जो शिक्षा के प्रति उनकी व्यापक सोच को बल देता है। शिक्षा जीवन चरित्र निर्माण की एक पराकाष्ठा है और इसके लिए स्वामी जी ने अपने जीवन के हित में कुछ आधारभूत सिद्धांतों को गढ़ा। स्वामी जी के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत कुछ ऐसे कारकों के साथ आते हैं जो शिक्षा को समन्वय के साथ साथ विकासवाद की दो तरफ ले जाते हैं। वे मानते थे कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक विकास हो। वे मानते थे शिक्षा ऐसी हो जिसमें बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन बुद्धि और बालक के आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया का विकास हो। उनके द्वारा शिक्षा को ऐसी परिपाटी में लिया जाना माना गया जिसमें बालक और बालिकाओं दोनों को वह दी जा सके। उनके द्वारा शिक्षा को धार्मिक शिक्षा पुस्तकों के द्वारा ना देकर आचरण और संस्कारों द्वारा दी जानी चाहिए, इस बात का भी प्रश्रय दिया गया। पाठ्यक्रम में लौकिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के विषयों को स्थान देने की बात कही गई। शिक्षा गुरुग्रह से प्राप्त की जा सकती है, यह उनका अपना एक विकल्प था और शिक्षा के प्रति ये उनका अपना अनुभव था। शिक्षक और छात्र के संबंध अधिक से अधिक निकट होने चाहिए और पवित्र होने चाहिए। सर्वसाधारण में शिक्षा का प्रसार और प्रचार किया जाना चाहिए ताकि देश की आर्थिक प्रगति और तकनीकी व्यवस्था को बनाया जा सके। इस हेतु देश की तरक्की के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था पर
बल दिए जाने की बात को वे हमेशा आगे रखते थे। मानवीय एवं राष्ट्रीय शिक्षा परिवार से ही शुरू होती है, इस बात को वे अनेक संसर्गों में समझाते आए। यूं तो समग्र राष्ट्र और समग्र विश्व इस महान विचारक का ऋणी है, लेकिन हम इस विचारक के बहुत ऋणी हैं जिसने हमें ऐसे सिद्धांतों पर चलना सिखाया जो मात्र संसर्ग की बात ना हो बल्कि संदर्भ की बात हो। इस हेतु उनके द्वारा स्थापित किए गए पहले ब्रह्म समाज, किंतु उनके चित्त में संतोष नहीं हुआ तो वे वेदांत और योग के संस्कृति में प्रचलित करते हुए महत्वपूर्ण योगदान देते आए। नरेंद्र एक महान व्यक्तित्व इसलिए भी थे क्योंकि उनकी महानता का प्रतीक प्रतिबिंब अनेक संसर्गों में छिपता नहीं उठता है। उनके द्वारा जीवन में मृत्यु से पूर्व अनेक ऐसे कार्यों को किया गया जो उन्हें विश्व में एक ओजस्वी और सारगर्भित वक्ता बनाता है, एक प्रसिद्ध व्यक्तित्व बनाता है। जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने शुक्ल यजुर्वेद की व्याख्या की और कहा, एक और विवेकानंद चाहिए ये समझने के लिए कि विवेकानंद ने अब तक क्या किया। प्रत्यक्ष दर्शियों के अनुसार जीवन के अंतिम दिन भी उन्होंने अपने ध्यान को करने की दिनचर्या को नहीं बदला और प्रातः 2-3 घंटे ध्यान किया। उन्हें दमा और शर्करा के अतिरिक्त अन्य शारीरिक व्याधियों ने घेर रखा था। उन्होंने कहा भी था, यहाँ बीमारियाँ मुझे 40 वर्ष की आयु भी पार नहीं करने देंगी। 4 जुलाई 1902 को बेलूर में रामकृष्ण मठ में उन्होंने ध्यान मग्न अवस्था में महासमाधि धारण कर प्राण त्याग दिए। उनके शिष्यों और अनुयायियों ने उनकी स्मृति में वहाँ एक मंदिर बनवाया और उसे समूचे विश्व में विवेकानंद तथा उनके गुरु रामकृष्ण के संदेशों के प्रचार के लिए 130 से अधिक केंद्रों की स्थापना की। कहा ही जाता है कि व्यक्तित्व वह महान है जो मन से नहीं मरता। शरीर से हर व्यक्ति मरता है, लेकिन किसी विचार की अमरता इतनी प्रखर हो जाए कि वह विचार स्वरूप हर व्यक्ति में जीवंत रहे, वह स्वामी विवेकानंद ही हो सकता है। आइए अगले कुछ समय में हम उनके जीवन की कुछ और घटनाओं का क्रमबद्ध अनुसरण करते हैं। 12 जनवरी 1863 कलकत्ता में जन्म, सन 1879 प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में उनके द्वारा प्रवेश लिया जाना, 1880 में जनरल असेंबली इंस्टीट्यूशन में प्रवेश, 1881 में रामकृष्ण से प्रथम भेंट, 1882 से 86 तक रामकृष्ण से संबद्ध, 1884 में स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण, पिता का स्वर्गवास, 1885 में श्री रामकृष्ण की अंतिम बीमारी, 1886 श्री रामकृष्ण का निधन, 1886 बराह नगर मठ की स्थापना, 1887 बराह नगर मठ में संन्यास की औपचारिक प्रतिज्ञा, 1890 से 93 तक परिव्राजक के रूप में भारत भ्रमण, 25 दिसंबर 1892 कन्याकुमारी में निवास, 13 फरवरी 1893 प्रथम सार्वजनिक व्याख्यान सिकंदराबाद में, 31 मई 1893 बंबई से अमेरिका रवाना, 25 जुलाई 1893 वैंकूवर कनाडा पहुंचना, 30 जुलाई 1893 शिकागो आगमन, अगस्त 1893 हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जॉन राइट से भेंट, 11 सितंबर 1893 विश्व धर्म सम्मेलन शिकागो में प्रथम व्याख्यान, और उसके बाद व्याख्यानों की ऐसी श्रृंखला जिसमें भारत ही नहीं दुनिया के अनेक स्थानों पर उनके व्याख्यानों के लिए उन्हें बुलाया जाना
और अंत में वापस भारत वापस आकर कलकत्ता में आगमन। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 1898 उत्तर भारत की यात्रा से वापस कलकत्ता आना। 1899 मायावती में अद्वैत आश्रम की स्थापना। 1899 पश्चिमी देशों की दूसरी यात्रा। 1899 न्यूयॉर्क आगमन। 19 फरवरी 22 सैन फ्रांसिस्को में वेदांत समिति की स्थापना। जून 1900 न्यूयॉर्क में अंतिम कक्षा। 26 जुलाई 1900 यूरोप रवाना और वहां से वापस आना 26 नवंबर 1900। 9 दिसंबर 1900 वेलूर मठ आगमन। जनवरी 1901 मायावती की यात्रा। मार्च से मई के महीने में 1901 में पूर्वी बंगाल और असम की तीर्थ यात्रा। जनवरी फरवरी 1902 बोधगया और वाराणसी की यात्रा। मार्च 1902 वेलूर मठ में वापसी और 4 जुलाई 1902 उनके द्वारा महासमाधि छोड़ दिया गया। उनके द्वारा वो मानव का शरीर, लेकिन विचार के साथ वह और परिपक्व होकर और विस्तृत होकर इस देश की विचारधारा को बदलने के लिए शामिल हो पाए। देश उनके दिग्दर्शन की निष्ठा पूर्वक तलाश में था। आज देश उनका ऋणी है। उनके जैसा कोई प्रभावी वक्ता, कोई संत, कोई लेखक, विचारक और देशभक्त व्यक्तित्व तो आज युवाओं की एक महती आवश्यकता है। हम आज उनकी जन्मतिथि पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाते हैं और आज इस दिवस पर मुझे गर्व है आप सबके सामने स्वामी जी के विषय में जो मेरी सूक्ष्म जानकारी में था आपके साथ साझा करने। स्वामी जी हम सबके हृदयों में और मस्तिष्कों में चेतना के साथ जीवित हैं। वे अपने उन शब्दों के साथ जीवित हैं कि वे कहते हैं कि उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न कर लो। नमस्कार, धन्यवाद।